वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सॉरी, मैं दो दिनों से थोड़ी सी अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी थी, जिस कारण से मैं वीडियो लेकर के नहीं आ पाई थी। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए आई हूँ, सुशांत सिंह जी के बारे में, जो मैं पहले भी पिछले दो वीडियो में आप लोगों को उनके बारे में बता चुकी हूँ। अभी एक बहुत चौंका देने वाला बयान जो नारायण राणे, महाराष्ट्र के एक्स-सीएम और बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एक बड़ा ही चौंकाने वाला बयान दिया, तो मुझे लगा कि आप लोगों के बीच ये बातें रखनी चाहिए। दिशा सान्याल के बारे में उन्होंने कुछ चौंकाने वाली बातें बोली है, और अगर ये बात राजनीति से प्रेरित है तो बहुत ही निंदनीय है, और यदि इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो सोचने वाली बातें हैं और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप हिल जाओगे कि ये क्या बातें हो रही है और कैसी हो रही है। इस बातों से बस यही जाहिर हो रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस एक ऐसी बातों पर लिपापोती कर रही है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बचाने की कोशिश कर रही है। बात क्या है मैं आपको बताती हूँ। दरअसल दिशा सालियान, जो सुशांत सिंह जी की एक्स मैनेजर थी, जिन्होंने आत्महत्या कर लिया था, उनके सुशांत सिंह जी के मृत्यु से 4 दिन पहले की बात है, जो सुनने में आया था मीडिया में कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है, अपने ही बिल्डिंग से वो कूद करके अपनी जान दे दी थी। लेकिन क्यों, ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने सुसाइड किया या फिर किसी ने उन्हें मार दिया? तो नारायण राणे जी का कहना है कि मेरे पास सबूत है और कुछ ऐसी तथ्य के आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि दिशा सान्याल की हत्या हुई थी और उसने आत्महत्या नहीं की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें आई है जो सुनकर के बहुत ही अजीब लगता है, पता नहीं ये बात में कितनी सच्चाई है। उन्होंने कहा कि दिशा सान्याल का हत्या हुआ है और उनके साथ रेप अटेम्प्ट हुआ था, और रेप के बाद उन्हें मार दिया गया, खिड़की से नीचे फेंक दिया गया। तो अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये तथ्य सुशांत सिंह से जुड़ी हुई है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में जैसा मैं सुनते आ रही हूँ मीडिया में जो खबरें आ रही है, और कुछ चैनल्स ऐसा बोल रहे हैं कि दिशा सान्याल की हत्या से पहले, जब जिस समय दिशा सान्याल ने सुसाइड किया उससे 1 घंटे पहले सुशांत सिंह जी को कॉल आया दिशा सान्याल का, और वो बताई सुशांत सिंह को कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है जो मेरे यहाँ आए हुए हैं, और उन्होंने नाम लिया, किनका नाम लिया ये चीज स्पष्ट नहीं है। तो सुशांत सिंह जी ने बड़ा ही शांति से सारी बातें सुनी और उन्होंने बोला कि चलो चलो ठीक है, हम इस पे बात करेंगे, देखेंगे क्या है, तुम शांत हो जाओ, ये बातें हुई थी। लेकिन 1 घंटे के बाद पता चला कि दिशा सान्याल ने आत्महत्या कर ली है। नारायण राणे जी ने डंके की चोट पर ये बात बोली है कि उनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी है और कुछ ऐसे क्लू है उस रिपोर्ट में, दिशा सान्याल के प्राइवेट पार्ट्स में कुछ इंजरी थी, जिससे ये प्रूव हो रहा है कि बलात्कार किया गया। लेकिन इन बातों में क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, ये तो आगे चल करके पता चल ही जाएगा। परंतु आज मैं जिस बात को लेकर के आप लोगों के बीच आई हूँ, क्या आप लोगों को ये बातें हजम हो रही है? जिस तरह से बिहार पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, आज तक पर मैं सुन रही थी कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने बड़े ही तीखे शब्दों में महाराष्ट्र की सरकार पर तंज कसा है और वहां की पुलिस व्यवस्था पर मखौल उड़ाया है। और मैं ये मानती हूँ कि गुप्तेश्वर पांडे जी, बिहार के डीजीपी, जिन्होंने ये बातें बोली है, बहुत ही सोच विचार करके ये बातें बोली होगी, क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक और अशिष्ट व्यवहार है जो महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ किया है। बिहार से जब 4 पुलिस ऑफिसर को भेजा गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए सुशांत सिंह जी के केस में, तो वहां पर जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, उन्होंने उनसे बात करना भी उचित नहीं समझा। घंटों उन्हें इंतजार करवाने के बावजूद भी उनसे जो कुछ तथ्यों पर बात करनी थी बिहार पुलिस को, कुछ सबूत के बारे में, कुछ साक्ष्य के बारे में, जब बार बार महाराष्ट्र सरकार ये बोलते आ रही है कि मैं 50 लोगों से उनसे जो है मौखिक बयान लिया हूँ, कुछ साक्ष्य मेरे पास है, उस आधार पर जो है मैं ये बता रहा हूँ कि सुशांत सिंह की हत्या नहीं हुई थी, उन्होंने आत्महत्या किया था, तो भाई साहब आप उस चीज को दिखाओ तो सही। बिहार पुलिस जो गए हैं आपके पास, आप उन्हें सबूत तो दिखाइए कि आप ये तो दिखाइए कि आप क्या जांच किए हैं। ये चीज महाराष्ट्र पुलिस को हजम नहीं हुई, और जब यहां से विनय तिवारी जी को भेजा गया केस में एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन के लिए, और केस में कुछ जो ऐसी बातें होती है जो जूनियर रैंक के ऑफिसर सीनियर रैंक के ऑफिसर से अगर बात नहीं कर पा रहे हैं, कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां से सीनियर रैंक के ऑफिसर को भेजा गया कि उनसे जाकर फेस टू फेस बात हो सके महाराष्ट्र पुलिस से।
तो हो सकता है कि बातों की कुछ और जो तथ्य हैं वो सामने आए, कुछ और साक्ष्य मिले, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है कि बिहार पुलिस को सहयोग किया जाए, और शिष्टाचार के नाम पर थोड़ा सा सपोर्ट करना जो उन्हें चाहिए था वो भी नहीं है। ये तो क्या बोला जाए कि मतलब इतनी ही शर्मनाक हरकत उन्होंने की है जिस पर पूरा देश जो है उनके विरुद्ध आ गई है, और महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस की थूथू हो रही है। कहाँ हमारे देश के मुंबई पुलिस की चर्चा दूसरे कंट्री में हुआ करती थी कि मुंबई पुलिस बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन ऐसी क्या बात है, मुंबई पुलिस किसे बचाना चाह रही है, कौन से ऐसे नेता, कौन से ऐसे बहुत बड़े हस्ती के दबाव में मुंबई पुलिस जो है अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रही है और इस केस को लिपापोती करके ढकना चाह रही है, और जब बिहार के यहाँ से ऑफिसर्स गए हुए हैं, बिहार पुलिस गए हुए हैं, तो उनको सहयोग नहीं करना चाह रही है। महाराष्ट्र पुलिस इस हद तक नीचे गिर चुकी है कि जब यहाँ से विनय तिवारी जी के बारे में महाराष्ट्र पुलिस से बोला गया था कि हमारे सीनियर ऑफिसर आईपीएस रैंक के ऑफिसर जाने वाले हैं आपके यहाँ कुछ इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर के बातचीत के लिए, जब उनको मालूम हुआ, लेकिन फिर भी अगर वो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उस टाइम उनसे किसी भी तरह की बात नहीं हुई और उस टाइम उनको क्वारंटाइन के बारे में नहीं कहा गया, और जैसे ही वो महाराष्ट्र पहुंचे किसी भी प्रकार की सहयोग नहीं, यहाँ से बिहार के डीजीपी बार बार कॉल करके महाराष्ट्र पुलिस को बार बार कॉल कर रही थी कि हमारे जो आईपीएस रैंक के ऑफिसर जा रहे हैं उनके रहने के लिए कुछ आप व्यवस्था कर दे, लेकिन 20 बार कॉल करने के बाद भी उन लोगों ने कॉल को रिसीव नहीं किया, और जब विनय तिवारी जी खुद जाकर के अपना व्यवस्था कर लिए और जब वो जिस जगह पे रुके थे तो उनसे पूछा गया कि सर आप कहाँ रुके हुए हैं, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, तो आप बताइए कहाँ रुके हुए हैं, मैं आपसे आके मिलता हूँ, वो बता दिए आनंद फानंद में कि हाँ मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। उनको लगा कि नॉर्मली हो सकता है इस चीज को पूछा गया, परंतु ये कौन जानता था कि महाराष्ट्र के बीएमसी कमिश्नर वहां पहुंच जाएंगे उनके हाथों पर ठप्पा मारने के लिए कि चलिए मैं आपको क्वारंटाइन कर देता हूं। उनको क्वारंटाइन करने का क्यों सुझाव, इससे पहले जब हमारे बिहार पुलिस गए हुए थे वहां पर, 4 बिहार पुलिस गए हुए थे, तो उनको क्वारंटाइन करना क्यों नहीं सोचे वो कि उनको भी क्वारंटाइन कर दिया जाए, और जब ये आईपीएस रैंक के ऑफिसर वहां पर पहुंचे उनको लगा कि नहीं, हो सकता है कि केस में कुछ और ज्यादा जांच पड़ताल हो जाए और कुछ और भी बातें सामने आ जाए, तो उनको लगा कि नहीं सबसे पहले इनको मैं क्वारंटाइन करता हूं इसी बहाने, उसके बाद केस की जो जांच पड़ताल है उसको तथाकथित रूप से मैं इसको बंद करवा दूं या कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए। इस तरह की ओछी हरकत से तो अब ये स्पष्ट हो रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस ये चाहती ही नहीं है कि सुशांत सिंह जी के केस में किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन हो, वो चाह रही है कि इस केस को लिपापोती कर दिया जाए, लेकिन बिहार के डीजीपी ने स्पष्ट रूप में कहा है कि चाहे आप हमें कितना भी परेशान करो, चाहे आप हमें सहयोग ना करो, लेकिन मैं अपने फर्ज से नहीं मुकरूंगा और मेरे जो भी पुलिस पदाधिकारी वहां गए हुए हैं वो लोग जांच पड़ताल तो करेंगे ही। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने ये बातें आज तक में कही है कि अगर महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस हमें सहयोग नहीं करती है और वो कहते हैं कि इस केस की अनुसंधान जो है महाराष्ट्र में ही हो, तो हमारे पास बस एकमात्र उपाय है और एकमात्र रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट से ये डिमांड किया जाए इस केस को न महाराष्ट्र पुलिस हैंडल करे न बिहार पुलिस, इस केस को सीबीआई के हाथों दे दिया जाए और सीबीआई इस केस में अनुसंधान करे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये बयान आया है कि इस केस की सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा भेज दी गई है। आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि नीतीश कुमार जी ने जो फाइल आगे किया था सीबीआई जांच के लिए, बिहार के गवर्नर ने उस पर अपनी मुहर लगा दी है और अब सुशांत सिंह जी के केस में एक नया टर्न आएगा। सीबीआई जांच के लिए डिमांड कर दिया गया है, बिहार के गवर्नर की मुहर भी लग चुकी है और गुप्तेश्वर पांडे जी जो बिहार के डीजीपी हैं एक नए आईपीएस अफसर को मुंबई भेजने की तैयारी कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि मनु महाराज जो पटना के एसपी रह चुके हैं उनके नामों की चर्चा हो रही है कि शायद उन्हें भेजने की तैयारी हो रही है और उनको भेजा जाएगा इस केस में नए रूप से अनुसंधान करने के लिए। तो एक तरह से ये स्पष्ट होते दिख रहा है कि शायद ये केस सीबीआई के हाथों में ट्रांसफर हो जाए, और मेरे ख्याल से पूरी देश की जो जनता है वो भी यही चाह रही है कि अब इस केस को सीबीआई के हाथों ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस रत्ती भर भी सपोर्ट नहीं कर रही है बिहार पुलिस को, और उनकी मंशा देश की जनता अच्छी तरह से भली भांति समझ रही है कि वो क्या चाह रहे हैं, इस केस में किस तरह की लिपापोती चाह रहे हैं। तो देखते हैं अगले 2 दिनों में ये केस क्या मोड़ लेती है और सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आता है, क्योंकि कुछ बातें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के हाथों में हैं अभी तक, और सीबीआई जांच के लिए क्या प्रक्रिया हो रही है, क्या बातें होगी, तो मैं आप लोगों के बीच रखूंगी।
और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी अपनी राय दें और क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए सुशांत सिंह जी के केस में। और जो मैं छोटी छोटी जानकारी आप लोगों को दी हूं, अगर आप मेरे इस बातों से सहमत हैं तो प्लीज अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोगों को जो सही लगा होगा और जो कमी मुझ में लगी होगी प्लीज आप मुझे बताइएगा। आई होप आप लोगों को मेरी ये छोटी छोटी जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोगों के कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है, मुझे खुशी होती है, मुझे लगता है कि नहीं अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती है और सही लगती है। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जो आज मुझे पहली बार देख रहे हैं, अगर आप लोग मेरी बातों से थोड़ा भी सहमत हैं तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। आप लोगों के सहयोग की मुझे बहुत ही जरूरत है। तब तक के लिए इतना ही, बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज़।